नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने सिलाई मशीन का ये दाती, जिसे दांत भी बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिट डॉग। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि आपको पता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को पूरे बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए इस दांत को खोल लेता हूँ। दोस्तों देखिए, हमने खोल लिया है फिट डॉग। अब यहाँ से आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, किसी भी सिलाई मशीन में दांत यानी फिट डॉग को चेंज करते समय, बदलते समय चार बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप जिस रोड पे दांत को कसते हैं, देखिए दांत चाहे कैसा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका दांत साइज में बड़ा हो, छोटा हो, या तीन दांत वाला हो, या चार दांत वाला हो, या पाँच दांत वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेन चीज़ होता है ना, जो चेक करना होता है, वो ये होता है कि देखिए, जिस पे हम दांत को कसते हैं, जिस रोड पे, यहाँ पे देखिए दो सुराख दिया हुआ है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और देखिए दांत में भी दो सुराख दिया हुआ है। तो जो मेन चीज़ होता है उसको यही चेक करना होता है कि जब आप दांत को इस रोड पे रख के सेट करें, तो जो इसका सुराग है, रोड का सुराग है, और जो आपका दांत का सुराग है, ये दोनों बराबर में मिल जाए, ताकि आप इसको दांत को इसमें फिट कर सको, पेच से टाइट कर सको, इसको ऐसे सेट कर सको। जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो यही होता है कि जो आप दांत ले रहे हो, मार्केट से खरीद के ला रहे हो, उस दांत में जो होल दिया हुआ है, ये होल आपके इस रोड में जो होल है, इसे मैच करना चाहिए। ठीक है, हो गया ये पहला पॉइंट क्लियर। चलिए इस दांत को यानी फिट डॉग को फिट कर लेता हूँ, फिर इसके आगे के बारे में जानेंगे क्या क्या बातों को ध्यान में रखना होता है। इसको देखिए मैं फिट कर लेता हूँ। जब तक इसको फिट करता हूँ, तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप लोग आजकल लाइक नहीं करते हो मेरे वीडियो को, लगता है दुश्मनी हो गई है क्या मुझसे, लाइक कर दिया करो दोस्तों यार। लाइक के तो पैसे नहीं लगते हैं, फिर भी आप लोग इतनी कंजूसी करते हो। इसको कसते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप एक नट को इकट्ठे नहीं टाइट करना है। ठीक है, पहले हल्का सा एक नट को टाइट करेंगे, फिर उसके बाद हल्का सा दूसरे नट को टाइट करेंगे, तीन चार चूड़ी, फिर वैसे ही दूसरे नट को भी ऐसे करेंगे, एक एक करके धीरे धीरे एक एक करके सारे नटों को टाइट करना है। अगर एक इकट्ठा करेंगे ना, तो फिर आपका जो दांत है ये प्रॉपर तरीके से बराबर नहीं बैठेगा। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर जो आपका दांत का जो पॉइंट है ना, ये जो फ्लैट पॉइंट है, ये पूरा बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये देखिए पूरा यहाँ पर बराबर होना चाहिए, ऐसे देखिए, ऐसे यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इसलिए एक एक नट को आराम आराम से ऐसे पकड़ के अच्छी तरह से दो दो चूड़ी करके एक एक नट को टाइट करना है आपको। इससे ये होगा कि आपका आसानी से जो दांत है बैठ जाएगा प्रॉपर तरीके से, हल्का भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ये देखिए हो गया फिट, ये देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से फिट हो गया। अब देखिए दांत फिट करने के बाद आपको दूसरे बात को ध्यान रखना है, ये देखिए जब आप इसके ऊपर पटरी लगाएंगे, तो आपको दांत के हिसाब से पटरी भी खरीदना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका मशीन में पहले वाला दांत एक दो तीन, सिर्फ तीन दांत थे, ये चौथा दांत नहीं था, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपकी पहली वाली पटरी होगी उसमें भी तीन कट होंगे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, आगे में ये कट नहीं होगा। और देखिए इस दांत में चार दांत दिया हुआ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो इस दांत के हिसाब से पटरी की कटिंग भी होती है, देख लीजिए, ये देखिए मिला लीजिए। ठीक है, तो आप जब भी दांत चेंज करें तो दांत के हिसाब से पटरी को भी लें। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना होता है। दूसरा पॉइंट जो होता है, जो तीसरा पॉइंट चेक करना होता है, ध्यान देना होता है, वो ये होता है कि जब आप पटरी को इस पर फिट करें, तो इसमें जो आपकी ये पटरी है, ये पटरी इस शेप में, जो ये शेप दिया हुआ है, इसमें प्रॉपर तरीके से फिट होनी चाहिए, देखिए ऐसे। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। और जो चौथा पॉइंट आपको चेक करना होता है, वो जो मेन होता है, ये होता है अपनी जो पटरी में होल होती है, इस होल में आपकी जो सुई है ये प्रॉपर सेंटर में जानी चाहिए। ठीक है, इस होल पटरी की जो होल है, इस होल के किसी भी साइड में टच नहीं होनी चाहिए। और ये पटरी वाला ये वाला होल जो आपका है, ये वाला होल यहाँ पे देखिए, इस वाले होल से मैच होना चाहिए, ताकि जब इस पटरी को इसमें फिट करें, तो इसमें आसानी से नट लगा के पटरी को टाइट कर सकें। इन चार बातों को आपको ध्यान रखना होता है अपने सिलाई मशीन के तीत को चेंज करते समय। आप अपने सिलाई मशीन में कैसा भी दांत लगा सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि जो आप दांत लगा रहे हैं, चाहे आपका दांत चौड़ा हो, पतला हो, मोटा हो, छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मेन चीज़ ये देखना है कि जो आपके दांत में यहाँ पर दो सुराग दिए रहते हैं, ये सुराग इस रोड के ऊपर आसानी से फिट हो जाए, यानी जो रोड में सुराग दिए होते हैं और जो ये दांत में सुराग दिया होता है, ये दोनों सुराग मैच हो जाए, ताकि इसमें आप आसानी से नट लगा के फिट कर सको। एक चीज़ का ये होता है। जो दूसरा चीज़ चेक करना होता है या उस पर ध्यान देना होता है, वो ये होता है कि जिस तरह का आप दांत खरीद रहे हैं,
उस दांत के हिसाब से आपको पटरी भी सेट करनी होती है। ठीक है, बाकी का आप तो समझ ही गए हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक बात, हाँ, अगर आप इस दांत के पूरे फिटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि अगर जब आप दांत फिट करके इस पटरी को सेट करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका दांत है एक साइड से ज़्यादा ऊपर हो जाता है, एक साइड से नीचे हो जाता है, तो इसको कैसे सही करते हैं, इस दांत को प्रॉपर तरीके से कैसे सेट करते हैं, ऊपर नीचे कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। ये वाली वीडियो है, इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख रखा हूँ, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाइए हमारे चैनल पर, और भी काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है, देखिए और कुछ नया सीखिए।